देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन थ्री इक्वल टू फाइव, देन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस फाइव प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया है, कॉस इनवर्स एक्स बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन थ्री इक्वल टू फाइव, देन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस फाइव प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को एक मेथड से तो किया जा सकता है, पर लॉजिक से या ट्रिक से भी किया जा सकता है, एंगल से भी। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं x की वैल्यू 1 ले लें और y की 3 ले लें, क्या होगा? बिल्कुल सिंपल, cos इनवर्स 1 बाय टू प्लस cos इनवर्स 3 बाय थ्री इक्वल टू फाइव। कॉस इनवर्स 1 बाय टू होता है पाई बाई थ्री, ये हो गया 0, तो 5 की वैल्यू आ गई पाई बाई 5 बाई थ्री। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है, 9 x की जगह 1 माइनस 12 वन इंटू थ्री इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर 9, तो आपने सॉल्व किया 9 माइनस 12 इंटू थ्री इंटू वन बाय टू प्लस 36, ये कैंसिल 6 टाइम तो 18, तो ये मिल गया कितना 18, तो 27। अब जो 27 दे वो करेक्ट, तो आप ये तो नेगेटिव है छोड़ दीजिए, ठीक, ये 36 बाय टू ये भी छोड़ दीजिए, ये 36 से छोड़ दीजिए, अब यही बचता आप रख के देखिए 36 और रूट 3 बाय टू का स्क्वायर मतलब 3 बाय टू 4 सॉरी, तो कैंसिल 9 टाइम 9 3 जा 27। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप मेथड से करते तो आपको टाइम लग जाता, क्योंकि आपको इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करके करना होता। राइट, नोट कर लीजिए।